आज का बहुत बहुत ही शुभ दिन है जो सारा विश्व महाशिवरात्रि मना रहा है। और हमारे लिए हम जो ब्रह्मा कुमारीज परिवार है जो सारे दुनिया में फैला हुआ है, उनके लिए और एक अति महत्वपूर्ण घटना जो घटी, जो मुख्य हमारी दादी गुलजार जी, दादी हृदय मोहिनी जी आज अव्यक्त हुए। वैसे तो कल रात को जब भारत में, इंडिया में महाशिवरात्रि मना रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह भौतिक शरीर का त्याग किया और वो आत्मा अपना संपूर्ण अवस्था को पा करके बाबा के साथ अभी बैठी है। तो दादी के लिए आज सारा दिन बहुत जैसे भाव विभोर हो रहे थे और उसी साइलेंस में थे, और अभी भी वही कंटिन्यू, वही साइलेंस, वही भावनाएं कंटिन्यू हो रही है। तो ये बहुत अच्छा मैं अवसर समझती हूँ कि आप सभी के साथ रह करके फिर से योग का अभ्यास और शिव बाबा के ही गुणों की लेन देन करेंगे। तो शुरू में मैं समझती हूँ कि थोड़ा योग से शुरू करके कुछ क्षणों के लिए हम योग अनुभूति करेंगे, ताकि हम बाबा की शक्ति, दादी जी की शक्ति इस सभा में लाए। सभी एकदम शांत में, साइलेंस में जहां भी बैठे हैं कंफर्टेबल होके बैठे, और अगर आपका फोन या कुछ बाजू में शुरू है तो वो भी थोड़े टाइम के लिए बंद रखें। तो सभी मिलकर के हम इस पावन अवसर पर शिव परमात्मा के अवतरण दिवस पर और दादी गुलजार जी के संपूर्णता को पाने के दिवस पर आज इकट्ठा बैठ योग साधना करते हैं। स्वयं को उसी श्रेष्ठ स्थिति में हम स्थित करें कि मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में पवित्र, शांत स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप, शिव ज्ञान स्वरूप हूं। खुद को उसी ओरिजिनल, हमारे आदि अनादि स्थिति में हम देखें। हम ऐसे विजुअलाइज करें कि मुझ आत्मा का प्रकाश आज बहुत ही प्रकाशमय, तेजोमय हो गया है। दादी जी ने जो आज संपूर्ण अवस्था को पाया है, उनके संकल्प शक्ति से, योग शक्ति से हम सभी आत्माओं की, योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति बढ़ गई है। उनका योगदान हमें मिला है, स्वीकार करें। धन्यवाद।
दादी जी एक बहुत ही न्यारी आत्मा इस दुनिया में बड़ा यूनिक रोल अदा कर रही थी। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा का रथ जनवरी 1969 से शिव बाबा को अपना तन का रथ स्वीकार कराया। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण होने के बाद 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा संपूर्ण संपन्न हुए, अव्यक्त अवस्था को पाया। एक रोल पूरा हुआ। जो हम शिव मंदिर में देखते हैं, नंदी, नंदी स्वरूप ब्रह्मा बाबा का रोल पूरा हुआ। परिवर्तन हुआ, व्यक्त से अव्यक्त बने। और फिर व्यक्त में शिव परमात्मा ने दादी गुलजार जी के तन द्वारा, मुख द्वारा ज्ञान, तन में विराजमान, हस्तों द्वारा टोली और वरदान, इनका यादगार, दादी जी का यादगार शिव मंदिर में नंदी के आगे छोटे कछुए का स्वरूप है। कई शिव मंदिरों में नंदी के आगे एक छोटा कछुआ होता है। दादी जी की यादगार दादी जी अव्यक्त हुए, हम सभी को पवित्रता का योग का दान देकर आज से हमने कई गुना ज्यादा छलांग मारी है अपने योग शक्ति में, ज्ञान शक्ति में, गुणों की शक्ति में। हम अभी वो ही जो हम कल थे वो नहीं रहे। आज से दादी जी अपने अव्यक्त स्वरूप से हमें और भी ज्यादा आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनके हमें सहयोग दे रही है और देती रहेगी। दादी जी वो आत्मा थी जिन्होंने जन्म जन्म तपस किया है, पवित्र जीवन व्यतीत करके तपस किया है, गहन तपस्या,
हर जीवन में ऐसी ही आत्मा इस संगम युग के कल्याणकारी समय में स्वयं शिव परमात्मा का रथ, अमूल्य रथ, जिनको शिव बाबा दिलो जान से प्यार करते थे, दिलो जान से धन्यवाद करते थे, उनके गुणों का वर्णन करते करते भी रात से सुबह हो जाती थी भगवान को, ऐसी यह विशेष विशेष अति विशेष आत्मा के परिवार में हमारा जन्म हुआ है, यह आध्यात्मिक जन्म। उसको एहसास करे कि मैं कितनी महान आत्मा हूं, जिस रूहानी परिवार में भगवान के सबसे करीब आत्माएं हैं, व्यक्ति है, उस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा, मम्मा सरस्वती, दादी गुलजार, जो आत्माएं नेक्स्ट टू गॉड है, नेक्स्ट टू भगवान, वो मेरे साकार रूप में माता पिता है, बहन भाई है, अब मैं स्वयं को उसी नजर से, उसी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित हुई अनुभव करूंगी और औरों को भी उसी श्रेष्ठ नजर से देखूंगी। कुछ क्षण साइलेंस में रहकर हम अपना योगदान इस सारे विश्व के योग के वाइब्रेशन में समर्पण करें। कुछ क्षण साइलेंस। शांति। भक्ति मार्ग में कहानी बताते हैं कि कुम्हार था, मटके बनाता था, मिट्टी के मटके रोज बनाता था,
और उसके रोज मटके बिक जाते थे। ऐसे उसका अपने परिवार का उदर निर्वाह करता था। एक बार उसने मटका बनाया, उसको नीचे एक एग्जैक्ट नीचे ऐसा छेद हो गया। उसने सब कुछ ठीक ही किया था, जो भी उसकी प्रक्रिया थी, फिर भी पता नहीं कैसे वो मटके को छेद हो गया नीचे, तो पानी तो रह नहीं पाता था, बूंद बूंद टपकता था पानी उसमें से, तो कोई भी उस मटके को लेता नहीं था। कैसे लेगा, क्योंकि लोगों को तो चाहिए ऐसा मटका जिसमें पानी रहे। तो कुम्हार थोड़ा दुखी हो गया कि नहीं, ऐसे कैसे यह मटका बन गया। तो वो मटका उसने साइड में रख दिया, बाजू में रख दिया। रोज उसको देखता था और उसको थोड़ा दुख होता था कि अरे ये मटका अच्छे कीमत में बिक जाता था और मुझे इसका इसकी अच्छी प्राइस मिलती थी। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, धीरे धीरे वो भूलते गया उस मटके को। वो मटका वैसे ही साइड में पड़ा था। वो मटका भी सोचता था कि काश मेरे में यह छेद नहीं होता तो आज मैं भी किसी के काम आता। लेकिन क्या करे, उसमें तो बाकी के मटकों में जो गुण थे, जो पानी को उसी में होल्ड करने के ना, उसी में रखने के, वो गुण तो उसमें नहीं था। तो क्या करे, तो रोज बाकी के मटकों को देख करके वो सोचता था, काश मैं इनके जैसा होता, काश मैं इनके जैसा होता, काश मेरे में ये जो कमी है वो नहीं होती। एक बार जो गांव वाले थे, तो गांव में शिव मंदिर बन रहा था। सभी गांव वालों ने मिलकर के वो मंदिर बहुत प्यार से बनाया था। शिवलिंग की स्थापना हुई। लेकिन फिर किसी को आया कि अरे जो शिव के ऊपर लोटी होती है जिसे बूंद बूंद पानी टपकता है, वो तो आवश्यक है, वो तो रहना ही चाहिए। हमारा कल तो मंदिर का उद्घाटन है, सभी महानुभावों को बुलाया है, तो अब क्या करें। तो जो मुख्य थे, ट्रस्टी थे मंदिर के, वो ढूंढने लगे कि ऐसा कौन सा मटका मिलेगा, अभी रातों रात कौन कौन मटका बना के देगा ऐसे, जिसमें एक एक छेद हो जिसमें से बूंद बूंद पानी टपके, कौन बना के देगा। तो वो ढूंढने लगे, इस कुम्हार के पास गए, उस कुम्हार के पास गए, फिर ये जो हमारे कहानी में जो कुम्हार है उसके पास आए कि कुम्हार जी हम क्या करें, हमको बहुत एक आवश्यकता है, एक हमें मटका बना के दो जिसमें एक छेद हो, बूंद बूंद पानी टपके, कल तो शिव जी का उद्घाटन है शिव जी के मंदिर का। तो कुम्हार तो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा हाँ जी ये हमारा मटका है जो किसी काम का नहीं था, ये ले लीजिए, इससे बूंद बूंद पानी टपकते रहता है। तो मंदिर के ट्रस्टियों ने बहुत खुश होके वो मटका लिया, जो किसी के काम नहीं था वो शिव परमात्मा के काम में आया। मंदिर में उसकी स्थापना हुई बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर। मटका बहुत खुश हो गया कि वाह क्या तो मेरा भाग्य था, सिर्फ मुझे समय का इंतजार था। इंतजार करते करते मैं आज कहां का कहां पहुंच गया, धीरज रखते रखते कहां का कहां पहुंच गया, और उनके गुणों की सराहना करते करते मैं कहां के कहां पहुंच गया। मेरी भी वो इतने दिनों की तपस्या फलीभूत हो गई, शिव के काम आ गया, परमात्मा के काम आ गया। जो सारी दुनिया शिव का भी दर्शन करती और उस मटके को भी देखती है ना, ये हमारी सबकी कहानी है ना।
दुनिया के तो पता नहीं किस काम के थे हम सभी, अवगुण से भरे थे। गुण भी थे, कुछ एक गुण भी जरूर थे, लेकिन दुनिया हमारे अवगुणों की तरफ ज्यादा इशारा करती रही और हम भी अपने अवगुणों को देखते रहे। हम अपने आप को गुणी समझते भी थे, लेकिन फिर दूसरों के गुण देख करके हम अपने आप को छोटा भी समझ रहे थे। तो ऐसे है शिव परमात्मा, जो किसी के काम में नहीं आता है वो शिव बाबा के काम आता है। उसको लेकर के शिव परमात्मा अपना दिव्य कार्य करते हैं। तो ऐसे हम बहुत बहुत भाग्यशाली मठ के इस सभा में बैठे हैं, जिनको शिव बाबा ने स्वयं चुना है ना। तो ऐसा एक ही भोला भंडारी है, इसलिए शिव बाबा को कहते हैं भोला भंडारी। भोला भी है, भंडारी भी है। भोला क्योंकि उसको जो दो स्वीकार करता है, आनंद से स्वीकार करता है। भाई मेरे भक्त ने ना, भक्ति में हमने कई कहानियां सुनी है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि मेरे भक्त ने मेरे ऊपर धतूरा का फूल चढ़ाया, मेरे भक्त ने मेरे लिए रात भर जागरण किया, मेरा भक्त शिव 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 कह करके रात भर ठंड में गुजारा किया उसने, प्रसन्न हो जाता है, भोला है। किसमें कोई भी कमी कमजोरी है, परंतु शिव पे स्वाहा होता है, प्रसन्न होता है शिव। भोलानाथ, भोलानाथ कहते हैं, भंडारी है, सबके भंडार भरपूर करने वाला भंडारी, शक्ति के भंडार, गुणों के भंडार, जो हमें जीवन में चाहिए उसके भंडार भरपूर करने वाले भंडारी। भक्ति में भी शिव का गायन है, परमात्मा शिव का, कि बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कई कठिन तप है, परंतु शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए, शिव परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत कम समय लगता है। भक्तों की मान्यता है, भक्तों का अनुभव है। तो ऐसे है हमारे प्यारे शिव भगवान, भोला भंडारी है परंतु सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान गुण शक्ति परिवर्तन की शक्ति। एक ही ऐसा परम आत्मा है जिसमें कलयुग को सतयुग बनाने की शक्ति है, सबसे इम्पॉसिबल कार्य, आप समझते हैं ना, सबसे इम्पॉसिबल कार्य है। कलयुग को कोई सतयुग बनाए, ऐसी रावण के दुनिया को राम राज्य बनाए, ये वास्तविकता तो लगती नहीं है, मनुष्य का तो काम ही नहीं है, न किसी महात्मा का काम है। हम देखते हैं ना, इतिहास साक्षी है, कितनों ने इस दुनिया को परिवर्तन करने की कोशिश की, बहुत अच्छे भाव से, श्रेष्ठ भाव से, परंतु ऐसा कार्य जिसको महान पवित्रता की शक्ति चाहिए, परम पवित्रता की शक्ति चाहिए, वो परम पवित्र शक्ति एक ही परम आत्मा में है। इसलिए उनके सागर का स्वरूप भक्तों को दर्शन कराने के लिए भक्ति मार्ग में भी
जो सोमनाथ मंदिर बनाया वो सागर के कंठे पे बनाया है, ताकि भगवान की जो विशेष विशालता है, विशालता, इतना बड़ा दिल, सागर समान परमात्मा, ऐसे परमात्मा को हम कहाँ स्थापित करें, तो सागर के कंठे पर सोमनाथ बनाया। शीतलता का नाथ सोमनाथ, सोम आपको पता होगा उसका अर्थ, सोम अर्थात चंद्रमा, सोम अर्थात शीतलता, और सोम रस अर्थात अमृत। ऐसे सागर समान गुणों वाला परमात्मा, और उसके हम सभी बच्चे, उस सोमनाथ के हम सभी बच्चे, सोमेश्वर के बच्चे, हम आत्माएं, हम सालीग्राम आत्माएं, खुद को हम देखे उस स्वरूप में। आज तक हम सभी ने भक्ति की है, चाहे इस जन्म में नहीं भी की होगी तो पिछले जन्म में तो जरूर हमने की है, क्योंकि हमारा शिव बाबा से तो सबसे करीब का कनेक्शन है, शिव बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे हैं ना, तो सालीग्रामों के रूप में पूजा होती है शिव मंदिर में, है ना, तो सभी सालीग्रामों को संभालने वाला परिवार है ना, सारा आत्माओं का परिवार है, ओंकारेश्वर का ये परिवार है, ओंकार निराकार, जो अनादि है, निराकार है, सदा निराकार है, और उस ओम स्वरूप में स्थित है, उस निराकारी अनादि चैतन्य स्वरूप में जो सदा स्थित है वो ओंकारेश्वर है, और उस ओंकारेश्वर के हम सभी बच्चे ना, हम सभी इस, जैसे जैसे हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं, हम भी उस यात्रा पर निकले, सच्ची सच्ची यात्रा करें, देखे कि कैसे हमने इतने श्रेष्ठ मठ, श्रेष्ठ मंदिर शिव के बनाए हैं, हमने ही बनाए ना भक्ति मार्ग में, कभी किस जन्म में हमारा क्या रोल था, हम सभी ने मिलकर के, हम शायद समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, कभी किसी जन्म में बहुत ज्ञानी होंगे, भक्ति मार्ग का इतना ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, हमने पिछले कई जन्मों में, किसी जन्म में शिव की तपस्या की होगी, क्या क्या हमने नहीं किया होगा, क्योंकि हम सभी आत्माओं का, हम सभी सालीग्रामों का बहुत ही करीब का कनेक्शन है शिव से, और सालीग्राम अर्थात एक बहुत चमकीली बूंद, सालीग्राम का अर्थ होता है एक अर्थ, कई कहानियां हैं सालीग्राम शब्द के इर्द गिर्द, लेकिन एक अर्थ सालीग्राम शब्द का है चमकीली बूंद, रेडियंट पॉइंट, रेडियंट ड्रॉप, और हम समझते हैं कि हम आत्मा स्वरूप में क्या है, एक चमकीली बूंद है ना, जिनकी शिव के साथ पूजा होती है, पूजा होती है। ले चलो अपने को उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, कि मुझ आत्मा की, मैं इतनी महान आत्मा हूं जो मेरी पूजा शिव परमात्मा के साथ होती है, शिव परमात्मा के साथ मेरा स्थान है, मैं कितनी विशेष आत्मा हूं, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कितनी श्रेष्ठ, कितनी महान आत्मा हूं।
शिव के मंदिर हम पाते हैं सागर के कंठे पर गुफाओं में। दूसरा स्थान शिव मंदिरों का होता है गुफाओं में। अमरनाथ का सबसे न्यारा प्यारा शिवलिंग जो कहीं दुनिया में नहीं है, हर साल बनता है, प्राकृतिक रीति से वो शिवलिंग बनता है अमरनाथ के गुफा में। है भी पहाड़ के ऊपर, इतने ऊंचाई पर, लेकिन गुफा में होता है। गुफा में क्योंकि परमात्मा गुप्त है, गुप्त रीति से इस दुनिया में आकर के कर्म करता है, दिव्य कार्य करता है अपना गुप्त रीति से। जो पहचान पाए, जो उस तक पहुंच सके, पहुंचते हैं, लेकिन वो अपनी गुप्तता, साधारणता नहीं छोड़ता है। तो परमात्मा को पाने के लिए हम भी अपने अंतर गुफा में जाए स्थित हुए। अपने आप को ढूंढे कि मैं कौन हूं, ढूंढना होता है ना, यह रूहानी मार्ग क्या है, योग क्या है। अपने आप को ढूंढना, मार्ग तो परमात्मा बताते कि इस मार्ग से जाओ, लेकिन उस मार्ग से जाना खुद को आत्मा स्वरूप में देखना और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये सारी प्रक्रिया अंतर प्रक्रिया है, अंतर प्रक्रिया है। कुछ बाहर का शो नहीं है, कुछ नहीं होता है बाहरी रूप से। इसलिए शिव बाबा की स्थापना भक्ति में यादगार स्वरूप में गुफाओं में होती है। गहरी गुफा जहां शीतलता है, सागर के कंठे पर भी शीतलता है, पहाड़ी के ऊपर भी शीतलता होती है। शीतलता इस दुनियावी गर्मी से परे, दुनियावी गर्मी जो माया अज्ञानता की गर्मी है, विकारों की गर्मी है, तेरे मेरे की गर्मी, झगड़े झमेले की गर्मी, इस सभी गर्मी से पार शीतलता, शीतल अवस्था परे, इन सभी दुनियावी बातों से दूर, परंतु है इस दुनिया में। इसलिए जो मंदिर बने हैं वो यादगार है ना परमात्मा के, कि वो आए हैं धरती पर, उनके गुणों का, शक्तियों का, उनके कार्य का अनुभव हुआ है आत्माओं को, मनुष्य को, कभी किसी समय में। इसलिए तो उसके यादगार स्वरूप में इतने मंदिर बनाए। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी नोंद होए कि कौन से, हाँ, परमात्मा की, कौन से देवी देवता की सबसे ज्यादा स्थापना हुई है इस दुनिया में, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक तो शिव परमात्मा ही करेंगे। सबसे ज्यादा मंदिर शिव के पाए जाते हैं, छोटे बड़े, किसी रास्ते चलते, किसी पेड़ के नीचे भी होते हैं, रास्ते चलते
भक्तों की इतनी भावना है जो, और शिव भगवान बहुत सिंपल है ना, बस पेड़ के नीचे एक कोई ओवल शेप का अंडाकृति कोई पत्थर अगर दिख जाता है तो बस भगत तो वहां ही उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। कोई बहुत स्पेशल स्थान नहीं चाहिए, कोई बहुत स्पेशल स्थापना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं भू है, परमात्मा का गायन है, शिव परमात्मा का स्वयं भू शंभू स्वयं भू, जो खुद अवतरित होता है। भू माना भूमि पर जिसका अवतरण होता है और जो स्वयं अपने आप करता है, उसको किसी मनुष्य माता पिता की गर्भ में आने की, मनुष्य के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भू है। इसलिए उसकी यादगार है ना, जहां भी भगत नदी कंठे, नदी कंठे पानी से जो पत्थर बहुत स्मूथ हो जाते हैं सालों से पानी जाकर के, जिन पत्थरों को, जिन पत्थरों की जो हार्ड जो उसके पार्ट्स थे ना, पत्थर तो कोई स्मूथ नहीं होता है, पानी जाकर के जो पत्थर स्मूथ हो गए हैं, सुखदाई बन गए हैं, ऐसे पत्थरों की स्थापना नदी कंठे कर लेते हैं, शिवलिंग खड़ा कर देते हैं, छोटा मंदिर बनाते हैं, भक्त आते हैं। तो जो सुखदाई है परमात्मा, जो सदा गुणों के जल में एक रूप है, सुख देने वाला है, हमेशा सुखदाई है, सुख करता है, तो स्वयंभू है, अपने गुणों में, अपने स्वमान में सदा स्थित है ना। इसलिए उसको कहां भी बिठाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ऊंच है, परम स्थिति है, जो कहां भी बिठाओ मिट्टी से एक नहीं हो जाता है, मिट्टी के हमेशा ऊपर रहता है। अगर मिट्टी में भी स्थापना की तो, पत्थर तो मिट्टी में ही होता है, तो जैसे जैसे हम शिव बाबा के गुण देख रहे हैं, परम आत्मा के गुण देख रहे हैं, हम अपने आप को भी उस स्थिति में लेते जाए, ऊंचे ऊंचे स्थिति में लेते जाए, अनुभव करे खुद को कि अरे मेरे परम पिता परमात्मा, मात पिता स्वयं भू शंभू भोलेनाथ, मुझ आत्मा के मात पिता है, तो मैं आत्मा भी उसी स्वरूप वाली हूं, मेरा भी ऐसा ही गुण दर्शन विश्व को मैं कराऊं, जैसे मात पिता वैसे हम बच्चे हैं, है ना। ऐसा परमात्मा जिसका भक्ति मार्ग में भी गायन है, देवी देवताओं ने भी जिसकी पूजा अर्चना की है, रामेश्वर गोपेश्वर जैसे तीर्थ स्थान है, रामेश्वर जहां कहा जाता है कहानी में कि श्री राम जी ने जिसकी आराधना की, अपने कार्य में
रावण को जीतने के कार्य में सफलता पाने के लिए सागर के कंठे जो वालू थी उसी को लेकर शिवलिंग बनाया, आराधना की, शिव प्रसन्न हुए, वरदान दे दिया। देव आत्माओं ने, जो परमात्मा समान ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, देव आत्माओं ने जिनकी आराधना की, गोपेश्वर श्री कृष्ण ने जिसकी आराधना की है, वो है शिव परमात्मा। इसलिए उनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है, देवादिदेव, सभी देवों में भी सर्वप्रथम जो है वह यह महादेव है। सभी देवताओं का गायन देवता के रूप में होता है। भक्त अपनी भावना से उन देवताओं को भगवान भी कहे, परंतु उनका जब वर्णन किया जाता है तब देवी और देवता के रूप में होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आदि देवताएं हैं, फर्स्ट डेटीज के रूप में त्रिमूर्ति का गायन है। और दुर्गा सरस्वती महाकाली ये शक्ति स्वरूप, परमात्मा का ही शक्ति स्वरूप, तो ये आदि देवियां हैं, है ना। इनका भी गायन ब्रह्मा देवता, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, इस तरह से ही करते हैं। भक्ति में भी ना? भक्ति के स्तोत्र श्लोक में भी एक शिव परमात्मा है जिनका गायन मंत्रोच्चारण में शिव परमात्माय नमः इस तरह से होता है। तो जो परम है, परम माना श्रेष्ठ, जिसके ऊपर कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ, परम माना सर्वश्रेष्ठ। और परम शब्द का दूसरा अर्थ है जो परे रहने वाला है, ऐसा एक ही है जो सभी शक्तियों में सर्वशक्तिमान है, सभी देवी देवताओं में जिसका आदि स्थान है, सर्व गुणों में जो सर्व गुण मूरत है, ऐसा एक ही है शिव परमात्मा। हम अपने आप को भी उस नशे से भरपूर करें कि हम ऐसे देवादिदेव महादेव के बच्चे हैं, हम आत्मा, हम सालिग्राम आत्मा, चमकीली बूंद, रेडियंट बीइंग, हम उसके बच्चे हैं। हम उस परम आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके ऊपर कोई शक्ति नहीं, सर्वश्रेष्ठ शक्ति के हम बच्चे हैं। ऐसा हम ऐसे नशे में, ये भी नशा बढ़िया है, शिव के कई मंदिर होते हैं जहां पर रेगुलर तौर पे, आम तौर पे, है ना, नशीले पदार्थ चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पे। तो वो बात तो कुछ
कुछ ठीक नहीं लगती है, परंतु उसका अर्थ अगर हम स्पिरिचुअल अर्थ देखें कि ऐसा किसी के मन में भी ऐसा क्यों आया होगा। कहते हैं कि भगवान भी उस नशे में रहते थे, इसलिए भगत भी शिवलिंग पे ऐसे नशीले पदार्थ चढ़ाते हैं। बहुत विचित्र, जैसे ये एक रिचुअल होता है, परंतु ये नशे का और भगवान का क्या कैसे संबंध हो गया? तो वो संबंध इसी तरह से है कि परमात्मा अपने नशे में स्थित होता है, अपने स्वमान में स्थित है, कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने स्वमान को, अपने स्थिति को, अपने पोजीशन को, अपने कार्य को भूलते नहीं है। जबकि अगर हम अपने आप को देखें कि कोई अगर हमें कुछ बोले तो हमारी स्थिति ऊंचे से नीचे आने में कितना समय लग जाता है हमें, है ना? हमारी खुशी गायब होने में कितना समय लग जाता है, एक शब्द किसी ने बोलने की देरी है। तो आज के इस दिन पर हम अपने आप को भी उस श्रेष्ठ नशे में, परमात्मा के याद के नशे में, अरे मैं किसकी संतान हूं, अरे मेरा साजन कौन है, शिव साजन है, मैं शिव परमात्मा की सजनी हूं, मैं आत्मा शिव की पार्वती हूं, शिव की सती हूं, हर जन्म में मैं आत्मा शिव से आकर के मिलती हूं। शक्ति से आकर के सर्वशक्तिमान मिलता है, शक्ति रूप का गायन है ना, पार्वती सती जो अलग अलग रूपों से परमात्मा की साथी दिखाई है हर जन्म में, तो वो हम आत्माओं का शक्ति स्वरूप है। हम अपना शक्ति स्वरूप निर्माण करें, इमर्ज करें, याद करें, तो सर्वशक्तिमान तो हमारे लिए बैठे हैं, हमसे मिलन मनाने के लिए ही तो बैठे हैं। इसलिए भक्ति में जो यह जोड़ी दिखाई है, शंकर पार्वती, शिव पार्वती, शिव सती, शिव और शक्ति का मिलाप, तो स्वयं को उस स्थिति में स्थित कर लो कि मैं ही तो वो शक्ति स्वरूपा आत्मा हूं जिसका गायन शिव के साथ, शिव के मिलन के साथ किया गया है। वैसे आज का दिन ना शिव अवतरण का भी दिन है। आज के दिन पर जो भी कहानी में बताते हैं कि जो भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, खास करके जो विशेष 12 ज्योतिर्, द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, तो भक्तों को आज के दिन पर एक एक शिवलिंग का दर्शन हुआ है, और जहां भी वो दर्शन हुआ, किसी के सपने में आकर के शिव परमात्मा ने कहा कि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूं, मैं इस स्थान पर प्रकट हुआ हूं, और वहां जाकर के भक्तों ने देखा, सचमुच उन्हें ऐसा स्वरूप दिखा, अंडाकृति स्वरूप, ओवल शेप्ड स्वरूप दिखा, कोई पत्थर देखा, वहां ज्योतिर्लिंग बना दिया, था तो पत्थर लेकिन कहा ज्योतिर्लिंग। है
है ना। तो ऐसे ज्योतिर्लिंग के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब हम अपने आप को उस स्वरूप में देखेंगे ना, तब शिव परमात्मा के क्या गुण हैं और हमारा उससे क्या लेना देना है, हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है, हमारा परमात्मा के रिलेशन में क्या स्थान है ना, वो समझ में आता है। क्योंकि कोई भी अथॉरिटी होती है तो उनसे अगर हमको कांटेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अथॉरिटी जो है, जो व्यक्ति बैठे हैं उस अधिकार में, उनके साथ हमारा ना कुछ विशेष कार्य, अगर संबंध है हमारा तो हमारा कुछ विशेष कार्य इजी हो सकता है ना। कोई कोई भी जो बातें हैं अटक जाती है ना, प्रॉपर्टी की बातें हैं, कुछ फैमिली में कुछ अनबन हुई है तो वो सॉर्ट आउट करना है, कुछ भी बातें हैं तो अधिकारी के पास जाते हैं। और उसके साथ अगर हमारा कुछ रिलेशन है तो फिर वो काम आसान हो जाता है ना। और कभी-कभी जो भी पोजीशन में बैठा है व्यक्ति, उसके साथ हमारा कुछ कनेक्शन निकलता भी है, लेकिन हमें कनेक्शन पता नहीं है, हमको नहीं पता कि अरे ये तो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में है, पता ही नहीं हमको, तो फिर हम उस संबंध का लाभ भी तो नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा क्या है, शिव परमात्मा क्या है, अगर हमें पता है तो हम उस कनेक्शन का, उस संबंध का सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। अगर हमने अपने आप को उस पार्वती के स्वरूप में देखा तो मैं तो शिव की पार्वती हूं, तो अपने आप को भी हम उस ऊंचे स्थिति में सहज स्थित कर सकते हैं। क्योंकि शिव के साथ जो रहते हैं वो शिव शक्ति स्वरूप है, शिव की शक्ति से संपन्न है। तो सर्वशक्तिमान का जो गायन है वो शिव परमात्मा का है। सभी वेदों का नाथ, वैद्यनाथ एक शिव परमात्मा है। इसलिए कई डॉक्टर्स के जो ऑफिसेस होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ होता है, आई ट्रीट ही क्योर्स। डॉक्टर्स भी उसके उसके तरफ इशारा करेंगे। तो वो वैद्यनाथ जो जख्मी आत्माओं को संपूर्ण रीति से स्वस्थ बनाता है ना। हम अनुभव करते हैं ना कि हम कैसे, जब हम मेडिटेशन कोर्स करने आते हैं तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि मैं अपने जीवन से ना इस मामले में मैं संतुष्ट नहीं हूं, इस बात में मेरे से बहुत बुरा हुआ है, ये वो कई सारी बातें, इस कारण से मेरे जीवन में अशांति है, जख्मी होकर के आए ना बाबा के पास। चलो बाबा का तो पता नहीं था, लेकिन चलो कुछ ना मेडिटेशन वगैरह सीख के कुछ शांति मिले, ठीक होने आए ना, हील होने आए हम। इसलिए योग को, योग ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन शब्द का मतलब ही है टू हील, स्वस्थ, फिर से स्वस्थ हो जाना, पुनः उस संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना, मेडिटेशन का मतलब है ये, इस शब्द का।
तो हम जब आते हैं शिव बाबा के पास, शिव बाबा का परिचय मिलता है, धीरे धीरे अपना दर्शन होता है, भाई हम क्या गलतियां करते हैं ना, धीरे धीरे वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। शिव बाबा की शक्ति मिलती है, रूहानी परिवार का संग मिलता है ना, इस सारा कनेक्शन का वन पॉइंट, वन कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है तभी यह हमारा सुंदर, अति सुंदर रूहानी परिवार है, हम आत्माओं को ना, कोई तो है टू गो टू, किसके पास हम जाए? मनुष्यों के पास जाकर के क्या हुआ आज तक? वो कहते हैं भाई मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, ऐसा आशीर्वाद देते थे आज तक हमें, तो भगवान के ही पास आना हुआ, जिसमें हीलिंग पावर्स है, बैद्यनाथ है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनका जो इतना गायन है, तो उसमें नो एक एस्पेक्ट ये भी है कि इन ज्योतिर्लिंगों में हीलिंग पावर्स है, शक्ति प्रदायक, एक अजीब सी शक्ति है। कहते कि शिव परमात्मा के नाम का भी जाप करो रोज, तो आपकी जो इच्छाएं हैं पूर्ण होते हो जाती है, आपके घर में सुख शांति रहती है, नाम, जस्ट नाम में इतनी शक्ति है। नाम में कैसे शक्ति आई? जबकि उस हस्ती में इतने गुण हैं, इतने शक्तिशाली गुण है ना, तभी उसका नाम ध्यान करने से ही हमारे अंदर शक्तियां आ जाती है। भक्तों की इतनी महान आस्था है और हम तो रोज उस महान हस्ती से आमने सामने मिलते हैं, उस सर्वशक्तिमान से आमने सामने हमारा मिलन होता है, वो भी सूक्ष्म रूप से। जो सूक्ष्म रूप का मिलन तो कितना पावरफुल है, कितना हमारा दिल का स्नेह और संबंध है परमात्मा से, जो हमारा मिलन सदा होता है। ना? तो जो जिस परम आत्मा में सर्व गुण है, ऐसे परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है ना? जो विश्वेश्वर है, विश्वेश्वर सारे दुनिया का ईश्वर, सभी धर्मों की आत्माएं जिस एक की पूजा अर्चना करती है, सभी भक्तों की प्रार्थना है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इस विश्व में कहां भी कोई स्थित क्यों ना हो, भक्त किसी की भी आराधना क्यों ना करता हो, वो सच्ची भावना, सच्ची प्रार्थना उस एक को ही मिलती है, जिसको भगत बड़े प्यार से अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी भावना से पुकारते हैं। कोई अल्लाह करके पुकारेगा, कोई हे अग्नि देव करके पुकारेगा, कोई हे सूर्याय नमः करके पुकारेगा, जिस किसी को भी पुकारे, दिव्य स्वरूप को पुकारता है।
तो सारे विश्व का भगवान विश्वेश्वर के रूप से पूजा जाता है। एक ही विश्वेश्वर है, विश्वनाथ है। और उस विश्वेश्वर को हमने पाया है, आज तक पुकारते थे, अभी उसके साथ बैठकर कार्य कर रहे हैं। नशा चढ़ता है, उस विश्वेश्वर के साथ बैठ करके विश्व परिवर्तन का हम कार्य कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कि बस हम रोज सिर्फ ज्ञान सुनते हैं क्योंकि अभी नियम है हमारा तो हम ये कर रहे हैं। नहीं, हम सभी मिलकर के उस विश्वेश्वर के साथ, उस त्रयंबकेश्वर के साथ, त्रयंबकेश्वर जो ईश्वर इन तीनों रूपों से कर्तव्य अपना कर रहे हैं, उसके साथ हम तीनों रूपों से कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा के रूप में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। शिव परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान हम अपने अंदर समझ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं, उस ज्ञान स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। विष्णु जी के समान गुण स्वरूप बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं। ज्ञान से जो गुण हमें समझ आ रहे हैं, परमात्मा जो हमें गुणी बना रहे हैं, हम वो बन रहे हैं। यही गुण तो सारे विश्व की पालना करने वाले हैं। विष्णु स्वरूप में पालना करने वाले शिव स्वरूप हम ही सब है ना। शिव परमात्मा की ही तो शक्ति हमारे द्वारा कार्यान्वित है, एक्टिव है अभी। और इसलिए शंकर रूप में, शंकर माना कल्याणकारी स्वरूप, शंकर शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। उस स्थिति में बैठकर, तपस्या में बैठकर, जो हम, हमारे अंदर ये भाव है कि हमारा भी कल्याण हो और समस्त विश्व का कल्याण हो, इस भाव से जो बैठता है वो है शंकर स्वरूप। ये भी शिव का तीसरा कार्य स्वरूप है। शंकर स्वरूप में दृढ़ता से बैठकर, तपस्या में बैठकर, शीतल होकर बैठकर, चंद्रमा का प्रतीक, शंकर की जटाओं में चंद्रमा का प्रतीक, शीतल होकर हम बैठे हैं। परमात्मा भी शीतल स्वरूप है। जटाधारी माना इस विश्व का त्याग किया हुआ है मन से, दिल से। पहले सारे विश्व का जो भी कूड़ा कचरा था हमारे अंदर था, अभी हमने वो सब बाहर निकाला, जटाएं धारण की। जटाधारी माना इस विश्व से उपराम हो गए, दुनिया से उपराम हो गए हम। अभी दुनिया की कोई बातें हमारे अंदर नहीं, हम उपराम हो गए, तपस्या में बैठे हैं। तपस्या के लिए वो स्थिति आवश्यक है। व्याघ्र आसन पे बैठे हैं। व्याघ्र आसन प्रतीक है, कोई भी बुराइयों के, नेगेटिव संकल्पों के,
जो छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमको तकलीफ देते रहते हैं, हम आत्माओं को, हमारे ही संकल्प है, इन कीटाणुओं से हम दूर हैं। जो व्याघ्र आसन होता है उसका उसकी ये विशेषता होती है कि कोई भी ना इंसेक्ट्स कीटाणु उसके पास नहीं आते हैं। तो स्टेबल होकर, अचल अडोल बैठ करके हम तपस्या कर सकते हैं, ये हमारा शंकर रूप है। और परमात्मा के भी यही गुण है, परमात्मा भी इस दुनिया के नेगेटिविटी से दूर है, छूती नहीं है इस दुनिया की कोई भी बात, बुराइयां परमात्मा को छू नहीं सकती है। तो जैसे परमात्मा की स्थिति वैसे हमारी स्थिति, इसलिए देखो भक्ति में भी ना शिव शंकर को एक कर दिया, शिव शंकर, जो शंकर की मूर्ति में जो शंकर की जैसे मूरत बनाई है, तो उसका एक एक अलंकार हम बच्चों के, शिव परमात्मा के बच्चों के स्थिति का वर्णन है, और वही वर्णन शिव परमात्मा को भी लागू पड़ता है। बहुत ही, आप सोचो कि जो जिस आर्टिस्ट ने यह बनाया होगा, हम में से ही कोई होंगे ना जो हमने अनुभव किया, हमने ही किसी ने भक्ति मार्ग के समय में इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, कितना तो कितनी इंटेलिजेंटली ये मूर्ति बनाई है शंकर की, जो शिव शंकर भी एक, शिव की जो क्वालिटीज है वो शंकर रूप में दिखाई है, और वही क्वालिटीज हमको भी लागू पड़ती है जो हम शिव की आराधना में बैठे हैं, हमको भी वो लागू पड़ती है। बहुत ही सुंदर क्रिएशन है शंकर जी की मूरत का। वैसे भी शिव शंकर को एक किया क्योंकि निराकार की, निराकार के साथ संबंध जोड़ना, उस बिंदु स्वरूप के साथ संबंध जोड़ना, जो शिवलिंग में वो बिंदु दिखाई पड़ता है, जो हमेशा बहुत सुंदर रीति से सजाते हैं, उस बिंदु स्वरूप में स्थित होना जैसे जैसे मुश्किल होने लगा भक्तों को, तो उन्होंने परमात्मा को, शिव परमात्मा को एक मनुष्य का रूप दिया, जिसको शंकर रूप में माना जाता है। परंतु परमात्मा ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप है, तो ऐसे त्र्यंबकेश्वर के हम संतान, हम खुद भी इन तीनों रूपों से यह कार्य कर रहे हैं। तो यह एक परमात्मा का ही दिव्य कार्य है, इन तीनों रूपों द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वरूप द्वारा। और ये स्वरूप क्या दर्शाते हैं? गुण दर्शाते हैं, हर स्वरूप के अपने गुण हैं। इन गुणों द्वारा फिर से नए सृष्टि की स्थापना करने वाला शिव, तो ऐसे श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठतम, समस्त देव आत्माओं के आराध्य, विश्व की सभी आत्माओं के, भटकती हुई आत्माएं, तपस्या में बैठी हुई आत्माएं, भूत आत्माएं, सभी आत्माओं के
पूज्य सर्वशक्तिमान हमें शक्ति स्वरूप बनाने आए हैं, उनके ध्यान में अभी हम कुछ क्षण के लिए बैठे उस परम पिता शिव के गुण याद करते करते हम सारी रात का भी जागरण करें तो भी कम पड़ेगा। मैं उसके गुणों के ध्यान में उस परम ज्योति स्वरूप के ध्यान में टिक जाती हूं। परमपिता परमात्मा का स्वरूप और मुझ आत्मा का स्वरूप परम ज्योतिर्लिंग और मैं ज्योति स्वरूप इन दोनों स्वरूपों का मैं मिलन देख रही हूं। विजुअलाइज करें परम आत्मा शिव ज्योति इस दुनिया से पार चलो अपने धाम परम धाम शिव धाम चलो इस दुनिया के पार। स्थित हो जाओ उस ऊंचते ऊंच कैलाश धाम में जो इस दुनिया के पार है। वह शिव धाम परम धाम शांति धाम पवित्र धाम प्रकाश धाम जहां चारों ओर सुनहरा लाल रंग का ब्रह्म महतत्व प्रकाश फैला हुआ है। यह धाम मुझ आत्मा का भी निज धाम है। देखो अपने आप को उस धाम में अपने सालिग्राम स्वरूप में शिव के साथ देखो। शिव की शक्तियां शिव की किरणें मुझ में समा रही है। वो प्यार का सागर मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। मैं प्यार से स्नेह से भरपूर हो रही हूं। यह प्यार मुझे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त कर रहा है। मैं भरपूर हो रही हूं प्रेम स्वरूप बन रही हूं। शक्ति स्वरूप बन रही हूं। शिव बाबा का यह ज्योति स्वरूप मात पिता स्वरूप मैं अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा के अनादि मात पिता
कितनी मुझे खुशी है, आज तक जिन मात पिता को मैं आत्मा ढूंढ रही थी, वो मुझसे आकर मिले हैं। मैंने अपनी स्थिति इतनी तो ऊंच बनाई है जो उनके साथ मिलने का मैं अनुभव कर पा रही हूं। से शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप मुझ आत्मा का प्रकट हो रहा है। मुझे शिव दर्शन, आत्म दर्शन हो रहा है। इसी स्मृति के साथ, इसी भाव में स्थित होकर मैं आत्मा पुनः इस देह के भान में आती हूं। मुझे संपूर्ण एहसास है शिव बाबा, शिव परमात्मा मेरे साथ है। जहां मैं शक्ति, वहां है शिव। जहां है शिव, वहां मैं हूं शिव शक्ति। इस धरा पर शिव बाबा का दिव्य कार्य करने हेतु मेरा हर संकल्प शिव बाबा पर स्वाहा, मेरा हर शब्द शिव बाबा पर स्वाहा, मेरा हर कर्म शिव बाबा पर स्वाहा। बूंद बूंद शिव बाबा पर मेरा हर संकल्प, मन वचन कर्म, तन मन धन सदा टपकता रहे। मुझ मटके की स्थापना शिवलिंग के ऊपर सदा रहेगी। ओम शांति शांति शांति।